twinkle. सलमान भाई मुझे आईफा में मिले कई सालों बाद। हाँ, कई साल बाद भाई मिले और भाई ने बोला, ओ यो चूतल सिंह इधर आ, कोलैब करेगा, दोनों साथ में मिलकर लोगों के कानों में जहर घोलेंगे। मैंने काफी साल बीमारी में निकाले। अबे चिकन चंगेजी, तू तो बीमारी से ठीक हो गया, लेकिन तू अपने नाम मुराद गाने बना बना के हमारे को सुना सुना के गॉल ब्लैडर में पत्थरी कराएगा फ्लिपकार्ट के लिल वेन। इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग। अरे हन्नी गानों से अठन्नी, अगर ये क्यूट सॉन्ग है ना तो नोरा फतेही भी मेरी दूर की गर्लफ्रेंड है, किम जोंग उन मेरे को खत लिखता है और जापान में आदमियों के तीन टट्टे होते हैं। भगवान मुगलों से छाती के बाल खिंचवा, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट का ना हनी सिंह जैसा धीपीटी का कमबैक ना कराए। पहले हनी सिंह 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0। ये भाई साहब जब भी अपने करियर की ऐप को अपडेट करके बग फिक्स करने की कोशिश करते हैं ना, तो साला करियर रीलॉन्च होने के बजाय क्रैश ही हो जाता है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वाह, ट्विंकल 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 ट्विंकल, यू सी ट्विंकल इन द स्काई लिटिल स्टार, वाह भाई क्या थिरक है भाई इन शब्दों में। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी यू सी हम्प्टी डम्प्टी यू सी सैट ऑन अ वॉल, यू सी हम्प्टी डम्प्टी देन फॉल, क्या जुगलबंदी बनाई है भाई, मजा आ गया। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल, यू नो, यू सी जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल केम डाउन विद वाटर बकेट, क्या महफिल बना दी भाई, क्या बोल लिख दिए, क्या माहौल बांध दिया आपने, क्या पंचर छाप गाना बना दिया भाई। इस गाने को ट्रिब्यूट देने के लिए पूरे देश में आज फ्री पंचर लगेंगे, और अगर तुम्हारी गाड़ी बाइक या स्कूटी में पंचर नहीं है तो पंचर करा लो, क्योंकि अगर तुमने ट्रिब्यूट नहीं दिया ना इस गाने को तो तुम हो हेटर्स। अभी तो हमें मुश्किल से 4 से 5 दिन हुए थे किसी का भाई किसी की जान का कछुआ छाप, चप्पल छाप, बनियान छाप ट्रेलर देखे, और उससे होने वाला जो पीलिया का बुखार हुआ था हमारे को वो भी नहीं उतरा था अभी। लेकिन भाई का प्यार इतना प्यारा है ना, इतना लव इन द हार्ट ऑफ द भाई इज द प्यारा हार्ट इस भाई का प्यार है ना, कि उन्होंने हमें पीलिया के बुखार के साथ साथ तोहफे में दी है दाद से होने वाली खुजली इन द नेम ऑफ लेट्स डांस छोटू मोटू। जाके बोलेंगे अरे भाई ये तो गाना है, ये तो पोयम है, तो भाई तुम लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे को गीली कच्ची आर्ट हाउस म्यूजिक जॉनर के बारे में नहीं पता ना यार, देन प्लीज अपडेट योर नॉलेज यार। नहीं यार मैं बताता हूँ तुम्हारे को, एक बारी को ना वैज्ञानिकों ने ये तक सोच लिया होगा कि भैया मंगल ग्रह पे प्लॉट कट जाएंगे, फोन पे टच स्क्रीन आ जाएगी और चंदा मामा पे पानी मिल जाएगा, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने यह सोचा था कि एक दिन एक ऐसा गाना बनेगा जिसमें ना लिरिक्स होंगे, ना डांस कोरियोग्राफी होगी, ना म्यूजिक होगा, और जब वो गाना बजेगा तो गीली छाती पे, गीले चूतड़ों पे, गीले तौलिया की तरह फटाक फटाक करके पड़ेगा। सोचा था कभी किसी ने? गाने के लिरिक्स सुनाऊं, सुनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गाने में लिरिक्स ही नहीं है। ये रेवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नो सिंथवेव सॉन्ग ना बनाए ही स्पेशली सलमान भाई के फैंस के लिए है, जो रिलीज पर आधा बोतल डाइल्यूटर एक भोला मुनक्का टपा कर नाचते, सिक्के मारते, ऐसे से पैसे उड़ाते, मैं भी जाऊंगा, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। गाने में डांस की कोरियोग्राफी दिखाई है ना, वो इतनी जबरदस्त कोरियोग्राफी है कि सारे के सारे ऐसे 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 जैसे बंदरों को जुएं लग गई हो ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, और भैया मियां माइकल जैक्सन को तो ना टोपे के तकिए पे सुला के भूल जाते हैं सलमान भाई। हाँ, like a diamond in the sky. अबे कौन सा मूनवॉक भाई बस करते हैं, घुटने की चटकी हुई कटोरियों में दर्द वॉक देखा नहीं तुमने गाने के अंदर, कि भाई अपनी धोती को ऊपर करके ऐसे ऐसे लंगड़ा के चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, वो क्यों है मैं तुम्हारे को बताता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। सलमान भाई अपने घुटने की कटोरियों की गरम गरम तेल से मालिश करा के आए हैं, धोती सफेद है, धोती के ऊपर तेल के पीले दाग ना पड़ जाए, इसलिए भाई ऊपर करके आगे चल रहे थे। वो तो भाई नेचुरल बॉर्न डांसर ही इतने जबरदस्त हैं कि भाई चल रहे थे ऐसे लंगड़ा के ताकि धोती ना गंदी हो जाए, वो आ गया गलती से कैप्चर हो गया कैमरे पे और वो बन गया डांस स्टेप। ये हिप हॉप पॉप लॉक ड्रॉप इन द सिंगापुर ऑफ साउथ कोरिया इन द जापान वाला डांसिंग स्टाइल है, तुम्हें क्या पता, बंद गोभी खाने वाले आदमी। बात करी जाए कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, गाने के इकोनॉमिक्स भाई ने इतने कॉस्ट इफेक्टिव रखे हैं कि मैं तुम्हारे को बताता हूँ। गाने में LKG UKG की पोएम्स हैं, लिरिक्स नहीं है, तो ऑफकोर्स लिरिसिस्ट पे पैसा बच गया। गाने में जितने भी झींगा मच्छी भाई के साथ नाच रहे हैं वो भाई के रिश्तेदारी में ही है, उनको भाई ने बोला तुम्हारे पास वैसे कोई काम है नहीं, पिक्चर में काम कर लो मेरे साथ, तो वहां पे भाई ने थोड़ी कम पेमेंट में निपटा दिया होगा, तो बेसिकली पैसा वहां भी बच गया। फिर अगर करी जाए गाना गाने के लिए गाने में सिंगर की बात, तो कवि सलमान अली खान को राग अलापने से सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, और वो है द ग्रेट एंड लेजेंडरी सलीम खान साहब, लेकिन वो भी अब उनकी उम्र हो गई है तो वो इस नेगेटिविटी में पड़ते नहीं, तो सलमान भाई को फ्री पास मिल गया और गला फाड़ दिया उन्होंने माइक पे अपना।
अच्छा, अब गाने में रैप भी चाहिए और पेमेंट भी नहीं करनी, पैसे भी बचाने हैं, तो सलमान भाई को याद आया कि हनी सिंह को फोन लगाया जाए, क्योंकि शाहरुख खान के थप्पड़ खाने के बाद हनी सिंह पहले ही थोड़ा डरा हुआ, पेमेंट मांगेगा नहीं, अगर गलती से मांग भी ली तो 4 बोतल वोडका उसको पिला देंगे। पिछली बार भी 4 बोतल वोडका में अपने 10 साल भूल गया पिछले करियर के, तो पेमेंट मांगनी तो वैसे ही भूल जाएगा, बच गया पैसा। कोरियोग्राफी की तो भाई ने सबको बोल दिया कि आने से पहले सेट पे राधे देख के आ जाना 2-3 बार, ना रात को सो पाओगे और अपने आप को मारने का मन करेगा, और फिर तुम जैसे रिएक्शन करोगे ना वही कोरियोग्राफी है। लो, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है भाई, यार तुम भी क्या बेकार की है। इसके अंदर वो सलमान भाई से मुश्किल से 25 से 30 साल ही छोटी है, और मैंने तुम्हारे को लास्ट वीडियो में बता दिया था ट्रेलर रिव्यू में कि सलमान भाई पिछले 28-29 साल से 21-22 साल के ही हैं, तो ये बात को दोबारा तो उठाना मत। गाने में भूमिका चावला वेंकटेश दगुबाती की बीवी दिखाई गई है, जो वेंकटेश दगुबाती पूजा हेगड़े के कैरेक्टर के बड़े भाई हैं। तो क्या हो गया, भूमिका चावला भाभी प्ले कर रही है अगर सलमान भाई की, तो उन्होंने तेरे नाम में उसकी हीरोइन ही तो प्ले किया था, 13-14 साल 15 साल छोटी ही तो है सलमान भाई से भूमिका चावला। तो क्या हो गया, तुम गाना सुनो ना, वाइब करो ना। गाने को रिलीज करने से पहले सलमान भाई ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कि मैं ये गाना रिलीज कर रहा हूँ और ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने लिटिल फैंस को, यानी छोटे बच्चों के लिए ये गाना है। और तो भाई मेरे को एक बात बताओ, बिल्कुल सही बात तो है, ये गाना सुनने के बाद इन छोटे बच्चों को पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ही तो होगा, PTSD ही तो होगा, वो किताब खोलेंगे और ट्विंकल ट्विंकल पढ़ेंगे तो उनको सलमान भाई अपनी धोती उठाकर झांग हिलाते हुए नाचते हुए नजर आएंगे। तो क्या हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, रात को नींद नहीं आएगी, नाइट स्वेट्स हो जाएंगे, हकलाएंगे बोलते हुए बच्चे, तो क्या हो गया भाई तो है। और भाई हनी सिंह तेरे लिए तो 2 मीठे बोल यही है मेरे कि अगर तू सूफी होने के बाद ऐसे गाने बना रहा है ना, तो तू दोबारा से शराबी बन जा भाई, कम से कम गाने तो अच्छे बनाएगा। I'm so lazy, मुझे ना चाओ। तो भैया ओवरऑल इस गाने में क्या नहीं है जो तुम्हारे को नहीं पसंद आ रहा, बस लिरिक्स ही तो नहीं है, म्यूजिक ही तो नहीं है, डांस ही तो नहीं है। तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए कि पूरे के पूरे गाने में कोकोनट ऑयल लगा के साउथ के टट्टे सहलाए गए हैं इतनी जबरदस्त तरीके से। और आजकल क्या हिसाब है तुम्हें पता ही है, थंग रूल है आजकल का, साउथ की टट्टी इक्वल टू नॉर्थ का तिरामिसू केक। तो भैया क्या है ये गाना, तिरामिसू केक। तो भैया ओवरऑल ये धमाकेदार गाना सुनने के बाद ना मेरा बस एक ही वर्डिक्ट है गूज़बम्प्स के साथ, और वो वर्डिक्ट ये है गूज़बम्प्स के साथ कि भैया क्या इलेक्ट्रिफाइंग गाना है, सारे छपरियों की झाटे इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगी ये गाना सुन के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हेटर्स इस गाना सुन के कहां जाएंगे, बर्न और ढूंढ लो। सारे के सारे गाने इतने तीखे, इतने चूतड़ दहला देने वाले गाने हैं कि तुम्हारे को सारे गाने सुनते वक्त यही लगेगा कि तुम्हारे को नंगा करके छाती के बाल बर्फ की सिल्ली पे लिटा रखा है। तो गाइस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सीरियस नोट का क्या करोगे तुम, क्या कर लेंगे हम सीरियस नोट का, हम मिलके भी कुछ नहीं कर सकते सीरियस नोट का, क्योंकि सलमान भाई ने सीरियस नोट को तो मंगलयान में बिठा के धरती से ही रवाना कर दिया है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं उस पिक्चर का, क्योंकि तुम्हें सेक्रेट गेम्स में याद है गाय तोंडे बोलता है सब मर जाएंगे त्रिवेदी बचेगा, ये पिक्चर रिलीज होने के बाद भी हम सब मर जाएंगे, साम जी और सलमान जी बचेंगे। हम मिलते हैं इसी पिक्चर के रिव्यू में इस सैटरडे को, तब तक के मामा मिया लजान्या पप्पी बाय बाय, एंड हेटर्स प्लीज सलमान खान इज स्वीट, बाय बाय।